आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, मैं प्रणाली, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। देश में बेरोजगारी के चलते छात्राओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया है। इसी प्रकार भंडारे में भी बेरोजगार छात्राओं ने अपने हक के लिए मांग की। शासन से आग्रह किया है कि शासन ने एक कायदा बनाना चाहिए जिसका नाम भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा। इस नाम से कायदा बनाकर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। इस विषय को लेकर जिलाधिकारी को निवेदन दिया। आइए जानते हैं कि किन मांगों को लेकर छात्राओं ने आंदोलन किया। बनेगा ये भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट है, जो अमेंड हुआ है एज अ बिल। ये चार्टर ऑफ डिपार्टमेंट असेंबली में भी पेश हुआ है, और इसके अंतर्गत सभी को शिक्षा समान का और सभी को काम के बारे में बताया गया है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रपोज हुई है 2019 की, इसका हम खंडन करते हैं। एजुकेशन राइट फॉर ऑल है। चुके हैं, मैं एक एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अब बेरोजगारी की वजह से हम अभी सब लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो हमें हमारा बेरोजगारी भत्ता भी मिलना चाहिए। और यहाँ पर भंडारा में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज होना चाहिए। आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी को कायदे से काम नहीं मिलता, इसलिए भारत सरकार ने बेरोजगारों के लिए कायदा बनाना चाहिए जिसका नाम भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा, ये नाम दिया जाना चाहिए, ताकि इस कायदे के अंतर्गत हमको रोजगार पाने का मूलभूत अधिकार मिल सके। और इसलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने पूरे राज्य में बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जो लाखों पद देश में रिक्त पड़े हुए हैं, उन पदों पर बेरोजगारों की भर्ती किया जा सके, ताकि सबको रोजगार मिल सके, सबको शिक्षा का समान अधिकार मिल सके। और इन मांगों के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट यूथ फेडरेशन ने आज मागनी दिवस मनाने का निर्णय लिया, और उसके अंतर्गत हम यहाँ पर कलेक्टर कचेरी भंडारा के सामने ये निदर्शन आंदोलन करके अब कलेक्टर को इन मांगों का निवेदन दे रहे हैं।